सब्सक्राइब करिए टेकियासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, रियलमी ब्रांड के बारे में तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और इंडिया में यार मतलब 5-6 महीने में इतना धमाका कर दिया है कि मतलब यार एक से लाइन फ़ोन आते जा रहे हैं और सारे के सारे पॉपुलर बन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। तो यहाँ पर रियलमी 2 प्रो के बाद हम यहाँ पर एक और रियलमी के फ़ोन का वेट कर रहे थे, जो कि आप बोल सकते हो कौन सी सीरीज़ आने वाली थी वो अभी तक के हमें पता नहीं थी, बट रियलमी ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि क्या नाम से ये फोन आपको देखने को मिलेगा और कुछ स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और प्राइस पॉइंट के बारे में भी लीक्स निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी तक के यहाँ पर अपकमिंग स्मार्टफोन तो हम सभी को पता था कि भाई आने वाला है, बट नाम कंफर्म नहीं हुआ था कि भाई कौन सी सीरीज का लॉन्च होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या ये रियलमी 3 या रियलमी 3 प्रो के नाम से आएगा या उसका सक्सेसर रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, एक नई सीरीज़ रियलमी की तरफ से आने वाली है। जैसे कि हमें रियलमी की सी सीरीज़ देखने को मिली थी, वैसे ही यहाँ पर रियलमी की यू सीरीज़ अब आपको देखने को मिलेगी। रियलमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है कि यू सीरीज़ का भी जो भी स्मार्टफोन आने वाला है वो U1 या यू सीरीज़ में आप बोल सकते हो यू के नाम से ही यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। तो नाम तो यहाँ पर कन्फर्म हो ही चुका है, अब बात कर लेते हैं कि भाई लॉन्च कब होगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर रिसेंट लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बताया जा रहा है 28 नवंबर को आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकता है। बाकी और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई दिसंबर की फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, बट जो स्ट्रॉन्ग लीक है वहां से बताया जा रहा है 28 नवंबर को आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है, ये चीज़ तो कंफर्म है, रियलमी ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि ये यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P70 देखने को मिलेगा, जो कि P60 का सक्सेसर है और काफ़ी बढ़िया है और AI के मामले में भी काफ़ी पावरफुल है और 12 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में जो भी रियलमी का अपकमिंग स्मार्टफोन रहने वाला है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो P70 तो ये चीज़ कन्फर्म है। साथ ही साथ एक और एक चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यू सीरीज़ का स्मार्टफोन है ये आपको सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन के नाम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे रियलमी 1, रियलमी 2 या रियलमी 2 प्रो भी हो जाए, कैमरा डिसेंट है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। तो यहाँ पर रियलमी 25 मेगापिक्सल के साथ में ओप्पो वाली सेल्फी आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा सकता है। साथ में एक और एक चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि वूक चार्जिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि ओप्पो की एक टेक्नोलॉजी है, जो कि आप बोल सकते हो डैश चार्जर के बराबर की है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अपकमिंग रियलमी के स्मार्टफोन में। तो ये कुछ यहाँ पर लीक्स निकल के आई थी। साथ में प्राइस पॉइंट की भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है रियलमी 2 प्रो के आसपास की प्राइस पॉइंट पर ही लॉन्च होने वाला है, 15,000 के आसपास यहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आप रियलमी यू के रिगार्डिंग आप कितना एक्साइटेड हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, और क्या आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो रियलमी के स्मार्टफोन से रियलमी यू में एज कम्पेयर टू रियलमी के जितने भी पुराने फ़ोन थे उसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगता है और आप क्या चाहते हो कि रियलमी नए फ़ोन में यहाँ पर आपको डाल के दे दे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस, आई होप कि मेरे साथ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ उससे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।